कटवाने को कह रहा हूँ ना, इसमें हैरानी की कौन सी बात है? हैरानी की नहीं, इसमें तो परेशानी की भी बात है पिया जी। पिया जी कह रहा हूँ मुझे, और तू बोल के सारा भाड़ा इशारा ये बात है। मेरा बेटा मेरी बात सुन, कोई काम सीख ले मेरा बच्चा। चल मैं तुझे टाल पे छोड़ा तो वहां लकड़ियां काटा कर। नहीं अब्बा, जो मैंने काम सीखना है तू नहीं जानता, वो मैंने सीख लिया है। अच्छा हाँ, क्या सीख लिया है मेरे बेटे ने, मुझे तो पता चले। चंद दिन सब्र कर ले अब्बा, कुछ दिनों की बात है। मेरा कमीशन है, मेरे सीने में तूफान सा उठ रहा है अब्बा। अब्बा बस मेरे काम में नहीं बोल, मुझे एक्टर बनना है। क्या? हाँ क्या क्या एक्टर बनना है मुझे? हाँ। अबे तू सिवाय बेवकूफ बनने के और कुछ नहीं बन सकता। बस मुझे रोशनी चाहिए है? मुझे रोशनी की तलाश है, मुझे रोशनी ला दे जहाँ से मर्जी ला दे अब्बा, ला दे मुझे रोशनी कहीं से भी ला दे अब्बा। रोशनी, मैं रोशनी चाहता हूँ। तुझे लाल चैन में ला दू कहीं से? आए हाय, क्या डालते रहते हो हर वक्त उसे। और मैं क्या कह रहा हूँ उससे, मैंने उससे ये कहा कि बाल कटवा ले, वो कह रहा आगे से एक्टर बनूंगा। बेटा अगर बालों से एक्टिंग आनी होती ना तो रीच सबसे बड़ा एक्टर होता। तुम क्या मेरे पीछे पड़ गए हो? सब्जी लेने जाओ तुम वहां मेरे पीछे आ जाते हो, खाना खाने जाओ वहां आ जाते हो, बिल जमा कराने जाओ तो वहां तुम हाजिर हो जाते हो। मुझे लगता है कि तुम मुझे सुकून से मरने भी नहीं दोगे। सर जी मेरा फन मर गया तो फिर क्या होगा? कौन सा फन, अंग्रेजी वाला उर्दू वाला? सिर्फ सर जी आप मुझे दो मिनट दे रहे हैं, एक मैंने चीज बनाई है सर जी, आप वो जरा देख ले आप एक दफे। अच्छा भाई अच्छा, निकाल लो निकाल लो जो सांप तुमने निकालना है। नहीं सर जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे अंधेरी रात है, रात अंधेरी है, टांगी टांगी बिजली नजर आ रही है, लोग लालटेन लेके बाहर आए हैं, आंधी का जोर और एक तेज आंधी चल रही है पिया जी, अगर आप इजाजत दें तो ये मैं पंखा चला लूं। ओ भाई रहने दो, भाई रहने दो, सर्दी है, मुझे जुकाम करवाना है तुमने। सर जी फैक्ट बड़ा जरूरी है, आप तो डायरेक्टर है, आप तो इतने बड़े प्रोड्यूसर है, आपको ये देखे पंखा चलाता हूँ मैं और आप। अरे भाई अरे क्या कर रहे हो, रहने दो। आंधी का इफेक्ट है पिया जी, समझा करें आप। ये देखिए वो क्या कर रहे हो तुम, ये हवा चलेगी ना जब, हाँ। ये कागज उड़ेंगे, ये कागज पड़े हैं, ये सब ये उड़ रहे हैं। क्या कर रहे हो सब आंधी? अरे मेरे ये स्क्रिप्ट से भाई क्या कर रहे हो? लोग साजी कर रहे हैं भाई, और तुम कर क्या रहे हो? ये आंधी में लोग आए हुए पिया जी, आंधी आप समझा करें भाई। मेरी सारी ये कैसी आप? और पिया जी आई एम सॉरी पिया जी, माय गॉड, ये फन ही ऐसा है, इसमें बाज दफा आदमी का नुकसान भी हो जाता है, मगर कोई बात नहीं, घबराना नहीं चाहिए। मैंने कई दफे अंधे का पार्ट अदा किया, अंधे का पार्ट अदा करते करते मैं गटर में भी गिर गया हूँ पिया जी, मगर मैंने उस तक नहीं की। अच्छा भाई जी सर, देखो मेरी बात सुनो। जी सर मुझे करना है काम। जी सर तुमने जो बात सुनानी है जल्दी से सुना दो, फॉर गॉड सेक। आप जरा फुल जरा ब्रस्ट मारे, ये मौत का जैसे एक आदमी को पाठ मिलता है। लो भाई जी जी आप चोट लग जाएगी भाई, क्या हो गया इसमें? क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है? ये भाई ठीक हो तुम? ला जी पिया जी, अमान से ऐसा मैंने डेथ का पार्ट अदा किया, अगर ऐसा पार्ट फारूक जमीर मुझे करके दिखाए तो पिया जी मैं काम छोड़ दे ईमान से। फारूक जमीर तुम्हें इस तरह काम करता देख के वैसे ही एक्टिंग छोड़ देगा? नहीं पिया जी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कोई चांस मिल सकता है। अच्छा भाई मैं कोशिश करूंगा। ईमान से आपका तारीख में नाम आएगा, आने वाली नस्लें जो है पिया जी वो आपको कहेंगी कि ये वो प्रोड्यूसर था जिसने अहमद को टेलीविजन पे चांस दिया पिया जी। अच्छा भाई अच्छा मैं समझ गया, अब तुम ऐसा करो जी, अब मुझे इजाजत दो, खुदा के लिए जाओ। मैंने दो तीन चीजें और रखी हुई हैं, जरा आप इजाजत दें तो कॉमेडी आपको दिखाऊं। गुड़ी, 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 गुड़ी।
कॉमेडी है। हाँ भैया जी, तो इससे पहले जो इस यहाँ वो कर रहे थे, तड़प रहे थे, वो कॉमेडी नहीं थी? हाँ भैया जी, वो तो ट्रेजिडी थी। यही तो हमारे साथ ट्रेजिडी है, नए आने वालों के साथ हम करते हैं ट्रेजिडी। आप प्रोड्यूसर समझते हैं कि ये कॉमेडी है। ओ भाई, ट्रेजिडी तो मेरी है। मैं तो नौजवान नस्ल की वैसे भी बहुत कदर करता हूँ, और फिर इलेक्शन में कामयाबी के बाद हमारे लिए सब बराबर हो जाते हैं, चाहे हमें किसी ने वोट दिया हो या ना दिया हो। वाह सर जी, माशाल्लाह, आप बहुत ऊंचे ख्यालात के मालिक हैं, इसलिए तो हम आपके पास एक धांधली के खिलाफ शिकायत लेकर आए हैं। हुक्म करें। ये हामिद है जी। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पता चल गया जी, बात बताए। ये कल टीवी स्टेशन गया था, लेकिन वहां उन्होंने इसे अंदर नहीं जाने दिया। आप असूल को धांधली कह रहे हैं? तो ना जी, इसका मतलब ये हुआ इस मुल्क में अब नए आर्टिस्ट नहीं आ सकते। आखिर ये पुराने घिसे पिटे पेंट कब तक चलेंगे? भाई तुम्हारा मसला क्या है वो बताओ। मसला ये है सर के आप ये बताएं कि मैं आर्टिस्ट नहीं। फिर देखो, मैं मेंबर हूं, नजूमी नहीं। तुम एक्टर बनना चाहते हो? जी सर, मैं फन का मुजाहरा करना चाहता हूँ टेलीविजन के ऊपर। अच्छा, तो भाई यूं को लंबा चक्कर क्या डाल रहे हो? ये हामिद कौन है? हामिद क्यों सर? भाई ये आज अखबार में उसका 4 लाइन का बयान छपा है कि नए आर्टिस्टों को मौका नहीं दिया जा रहा है। माय गॉड सर, इस शख्स की वजह से मैं अपना तबादला किसी दूसरे स्टेशन करवा लूंगा। क्यों, क्या हुआ? साया बन गया मेरा, मैं सब्जी खरीद सकता हूँ, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा सकता हूँ, घर तक मेरा इससे महफूज नहीं है सर। भाई आज उसकी सिफारिश में मेंबर साहब का फोन आया था। आई एम सॉरी सर, ये मुदाखलत भेजा है। नहीं नहीं, जज्बाती होने की बात नहीं है। आप ऐसा करें, अगले ड्रामे की उसे बुला लें। ठीक है सर, ऑलराइट। पहले साहब जी आप बताएं कि ये करैक्टर छोटा है या बड़ा है? ऐसे भी है जी। देखो मिस्टर, एक्टर छोटा बड़ा होता है, करेक्टर छोटा बड़ा नहीं होता। वो सही है सर जी, मगर मैं आया हूँ यहाँ पे सिफारिश करवा के अपने मेंबर साहब की पिया जी। अब ये तो नहीं ना कि मैं ऐसे दरबार में नेजा पकड़ के खड़ा हुआ हूँ और या गुंगा पाठ कर रहा हूँ, ये तो नहीं होना चाहिए ना जी। भाई ये दरबार वाला ड्रामा नहीं है, ये नफ्सियाती ड्रामा है, सलीम चिश्ती का लिखा हुआ। सर जी वैसे मैंने उनका एक ड्रामा देखा हुआ, उनका एंड कोई अच्छा नहीं होता है साजी ड्रामों का। ऐसे ही मैंने तुम्हें यहाँ गलतियां गिनवाने के लिए नहीं बुलाया। सर जी वैसे इंसान पिया जी गलती का पुतला है, ये तो आप मानते हैं कि नहीं? मेरी मैं सब मान गया हूँ, आप ये स्क्रिप्ट ले जाएं और घर जाकर इसे पढ़ें प्लीज, जाएं। ठीक है सर। वैसे आपको एक मैं बात बताऊं अपना से, बस आपके हम लोग स्क्रिप्ट के मोहताज नहीं है, हम फनकार हैं मुंह जुबानी किस्म के, मुझबानी आप मुझे जो। अच्छा अच्छा, अब आप तशरीफ ले जाए, मैं मुझे और बहुत सारे काम करने हैं, जाएं आप। जी अच्छा जी। शाह जी ये किरदार कौन कर रहा है जी? छोटे भाई, इसके लिए मैंने आबिद कश्मीरी को कास्ट किया। जैसे जहालत है, ये जहालत की पैदावार है और जहालत अंधेरा है, और हमें इस अंधेरे कुएं में चिराग लेके उतरना है। जब मैंने चिराग कहा था तो मेरा मुंह दिए की तरह हुआ। क्या मतलब? मतलब यह है, एक्शन का मतलब यह होता है कि जो लफ्ज कहो वैसा ही हो जाए। थैंक यू शायदा, थैंक यू। प्रिया जी अब थोड़ा ही सफर रह गया है, अगले साल तुम और मैं अवार्ड की तकरीब में बैठे होंगे और ऐलान होगा, हम तीनों हजरात अब आते हैं मिस्टर हामिद और उनकी मिसेज, तो अवार्ड पाने वाले हैं हामिद और मिसेज हामिद। तालियां बजेंगी और प्रिया जी हम फिर अवार्ड वसूल कर लेंगे।
अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा ड्रामा कब लग रहा है? मेरी सहेलियां पूछ रही थी। बाहर इंक्वायरी ऑफिस बन चुका है, अगर तुम मेरे फनी प्रोग्राम के बारे में कुछ पूछना चाहती हो तो बाहर लड़के बैठे। बता रहा ड्रेसेस कोई भी कैजुअल सा ड्रेस पहन लो, ग्लासेस भी लगा सकते हो, आपके लिए ठीक है। सूट में कल मैं 2 बजे जी, आप 2 बजे के बाद आ जाइए। एंड थैंक यू वेरी मच, अभी तो रिहर्सल तो और होगी नहीं, वो साहब तो आए नहीं जिन्हें कास्ट किया, एक नया चैलेंज कास्ट किया है, मुझे लगता है उसने मुझे कास्ट कर लिया। प्रिया जी सर सलाम अलैकुम। हमें सर जी आपके आने का वक्त है। सर आई एम सॉरी, मुझे बाहर जरा ना अखबार वालों ने रोक लिया। तो रिहर्सल तो हमने कर भी ली, मैं पूरा ड्रामा वैसे याद कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से। अरे बंदा है खुदा, पूरा ड्रामा नहीं याद करना, सिर्फ अपना कैरेक्टर याद करो, बैठो। आप जरा कुर्सी छोड़ते, क्या कर रहे हैं आप, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप हमें साहब? सर जी कल को अल्लाह के फजल से हमारा भी कोई मकाम होना है। मकाम छोड़े कोई बात नहीं, आप बैठे। थैंक यू। वैसे कश्मीरी साहब ये आपको कुर्सी छोड़नी चाहिए थी, प्रिया जी आपको इस्तकबाल करना चाहिए नए आने वालों का। क्या आप छोड़े, सॉरी कश्मीर, आप ये फजूल बातें छोड़े हामिद साहब, और अपने डायलॉग सुनाए मुझे। वो बहुत उदास है प्रिया जी, मुंह ऐसे है जैसे 12 बज रहे हो, भाई के गले में बाहें डालकर। ओ भाई अपने डायलॉग पढ़ो, ये ब्रैकेट में नहीं पढ़ना, ये डायरेक्शन है जी। अच्छा जी, औरत औरत तेरा दूसरा नाम फरेब है, बाईजान औरत एक ऐसा बैल है। ओ बैल नहीं बेल है, ऐसा बैल है। बेल 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 बिफोर रेस्ट, ये वो बेल नहीं है। अच्छा जी, ये पौधा, ये बेल जो दीवार पर चढ़ती है, वो बेल जो दीवार पर सर ने बताया ना, ये वो बेल है। तो मुझे बता रहे हैं जब प्रिया जी, तो आप बड़ी बड़बड़ के बातें कर रहे हैं, अगर आपको इतना ही मान है तो आप कल हमारे साथ दस्त पंजा करने के लिए तैयार हो जाए प्रिया जी। कैमरे के सामने जब आंख में आंख, आपकी दोनों आंखों में मेरी एक आंख होगी प्रिया जी, ऐसी कोई बात नहीं। फिर हम आपसे कहेंगे कि अब किसको कह रहे हो। मेरे ख्याल में कश्मीरी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप तशरीफ ले जाएं और सुबह 9 बजे आप रिकॉर्डिंग के लिए आ जाएं। जाइए सर जी, मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ, सॉरी, उसके बाद मैं बैटरी पीता हूँ, उसके बाद शेड्यूल न सुनाए मुझे। अब्बा जी बेटा, घर में टीवी नहीं है। बेटा हमारे घर में तो आटा नहीं है, तो टेलीविजन की बात कर रहा। अब्बा मोहल्ले के सब मेरे दोस्तों ने ना प्रोग्राम बनाया कि एक साइड से मोहल्ला बंद करके ना तंबू लगा के तो टीवी पे मेरा तमाशा देखेंगे, है ना। अल्लाह का वास्ता बाद अगर मेरे बेटे, मैं तेरे पांव पर जाता हूँ। अब्बा एक दफे चेक मिलने दे मेरे को टीवी का, फिर देख टीवी टीवी। अरे टीवी के चेक से तो टीवी मरम्मत भी होता, तू टीवी खरीद रहा। अब तो फीसें बढ़ गई है प्रिया जी, समझा करें आप। बेटा हमने तो महंगाई बढ़ते देखी है, फीसें बढ़ती नहीं देखी। अब्बा किसी अपने दोस्त से मांग लो, मेरी इज्जत का सवाल है। क्या आटा या टीवी? ये पहली बात तो ये है कि इसमें गर्मियों का मौसम है, और दूसरी बात ये है कि आपके सिर्फ 2 सीन हैं, तो ये सूट कहाँ इस्तेमाल होंगे? ये प्रिया जी मैंने कहा अगर आप अगर मुनासिब समझे तो इसको मैं पहन लूँ। अंग्रेज हर फिल्म में पहनता प्रिया जी सूट, तो वहाँ भाई सर्दी होती है, हमारी तरह गर्मी नहीं पड़ती। ये उसको वार्डरोब में रखो, ये ले जाओ वार्डरोब में रखो। तो मेरे ख्याल में वो कश्मीर साहब फिर जी जी रिहर्सल कर लें जी, आइए साथ मूव्स भी करेंगे ताकि मैं टेक कर लूँ। हाँ जी ठीक है, टाइम नहीं है। ठीक है, ऐसा है कि आप इस सोफे के पास खड़े हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है अगर प्रिया जी आप बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा। नहीं रिकॉर्डिंग मैंने करनी है क्या आपने? नहीं सर जी, मैंने जरा ऐसे मशवरा ही दिया, कोई अंग्रेज आपको पता है मशवरे पे खुश होता है, डॉक्टर अगर मशवरा देना 150-200 रुपए फीस ले लेता है प्रिया जी। आप जी जी मैं यहाँ, आपने आप यहाँ है ठीक है। आप बोलते हुए आप बोलते बोलते यहाँ आएंगे ना, 2 शॉट बनेगा जी, जी, जी। ये 2 शॉट बन गया, उनका सिंगल हो गया, ठीक है। यहाँ आके आप बोले ठीक है, ठीक तो यहाँ से मूव करो वहां बोलो। नसीर तुम मेरे छोटे भाई हो, छोटे हो तो छोटे ही रहो। ये ठीक है कि कब तुम्हारा बड़ा हो गया है, लेकिन अक्ल में तुम मुझसे छोटे हो,
और छोटे हो पिया जी, छोटे हो, जरा इसमें जान डालें किरदार में, छोटे को जरा और बड़ा करके कहें। ये आप क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप ये? सर जी मैं वैसे आपसे अर्ज करूं, मैं तो बहुत नया आदमी हूं, अगर कश्मीरी साहब वाला किरदार मुझे दे ना तो ईमान से मैं फटिया खेड़ दूं इसकी। आप अपना किरदार सिर्फ बोले, आपकी मेहरबानी होगी। देख लें सर, वैसे रिजल्ट ये अच्छा नहीं आएगा पिया जी। आप लाइने बोले अपनी। अच्छा जी। अच्छा कश्मीरी जी, क्यों दें आप इनको? मुझे माजी हाल और मुस्तकबिल के चक्कर में मत फंसाओ नसीर। हमें हमें जहाज के खिलाफ टकराना है भाई। ये जहाज नहीं है, जहेज है। जहेज जहेज जहेज, जहेज, जहेज। मैंने मैंने जरा प्रिय जी डायलॉग ना जरा खुद लिखे हैं, जरा मैंने इसकी बुनती नहीं बनाई है अपने तौर पे, रीराइट। ये कोई बनियान नहीं है, स्वेटर नहीं है जिसकी बुनती आपने बनाई है, ये राइटर ने डायलॉग लिखे हैं, जो कुछ लिखा है आप वो बोले। अच्छा सर जी, अच्छा जरा मैं नया आदमी हूँ, कोई जरा आहिस्ता आहिस्ता रवा हो जाऊंगा, पता चल जाएगा इधर की रूटीन का। सॉरी सॉरी, आप बोले। हमें 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 पिया, हमें जहेज से टकराना होगा। जहेज जहालत जहालत, जहेज जहालत जहालत अंधेरा है। साहब जी वैसे एक बात है, एक सजेशन है छोटी सी, जब मैं कहूँ ना अंधेरा है तो आप सारी लाइटें ऑफ करा दें, ऐसे सजेशन है एक। आप मुझे डायरेक्शन ना सिखाएं, आप सिर्फ अपने डायलॉग बोले। सॉरी सर, सॉरी सर, जहालत अंधेरा है और हमें हमें इस अंधेरे कुएं में चराग लेके उतरना है, चराग लेके उतरना है। उतरना है, उतरना है। चराग लेके कुएं में चढ़ते नहीं है, कुएं में उतरते हैं। चराग लेके उतरना है। इस तरह ये क्या कर रहे हैं, ये क्या माई है ये कोई, ये बुढ़ी माई नहीं है। आपने ये कहना है कि हमने चराग लेकर, हमें चराग लेकर इस अंधेरे कुएं में उतरना है, आप इस तरह बोले। मैं थोड़ी सी एक्टिंग डालता हूँ पिया जी इसमें, अगर जितनी मैंने बताई है आप उतनी डालें, और ये पिया अपने पास रखें, ये पिया इसमें न लगाए जी। अच्छा प्लीज जी, सॉरी सर जी, टाइम वेस्ट हो रहा है। सॉरी सर, सॉरी सर। हमें जहां लत अंधेरा है, अंधेरा है और इस अंधेरे में हमें चराग लेकर उतरना है, चराग लेकर उतरना है। ठीक है, मेरा ख्याल टेक करें। तो आप रेडी, अनवर साहब रेडी आप? ओके ओके, आज बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर जी। सर जी इनको तो उठाएं। ये कौन? ये मेरी होने वाली मंगेतर है जी। लो, मैं समझे शायद सीन में है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप वहाँ बैठिए, ये हमिद साहब अभी अदाकारी शुरू करने वाले हैं। हाँ। आप बैठ के वहाँ देखिए ये क्या करते हैं। आप रेडी है हमिद साहब? जी सर जी, कश्मीरी साहब बिल्कुल रेडी। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। ये कागज किधर? सर मुझे दें। आप इन्हें दें ये स्क्रिप्ट और स्टैंड बाय। हाँ स्टैंड बाय जी। पिया जी आप देखें बड़े हैं, हमारा पहला पहला काम है, जरा बना के रखें। मैं जिंदगी में किसी मोड़ पे आप मुझे आवाज मारेंगे मैं चौक में खड़ा होऊंगा। ठीक, हमारी गुडियों की दुकान है, डोर की दुकान है, अल्लाह का फजल है, 30 नंबर दादा पिए जी। आप यार काम करो, इस वक्त मूड बनाओ, ये क्या गुडियां डोरे डाल। मूड बना रहा हूँ। रेडी है जी आप लोग? जी रेडी, रेडी मैं रेडी जी रेडी। पिया जी जरा आप देखें, यार मेरी तो साइकिल को ताला नहीं लगा हुआ, बाहर खड़ी है टेलीविजन की दीवार के साथ। राइट इन साइड। रोल वीटीआर फिर साबे क्यों टू कश्मीरी? हाँ तो इसे समझाना है तो मैं इसे समझा दूंगा। ये लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, मेरा छोटा भाई है तो इसे क्या। मैं नसीर, नसीर भी बोले भैया। आप फेडर खोले ना, क्या हो गया? फेडर खुला है। तुम खुले कब दे हाल इज डूइंग? Oh, which you are.